मुझे मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खूब जमेगी हमारी, मुझे नाचने का शौक था और उसे नचाना आता था। ये सॉन्ग तो आप सभी ने सुना ही होगा। जी हाँ, ये सॉन्ग को गाया है बॉलीवुड के वो दिग्गज रैपर यानी कि बादशाह ने। ये सॉन्ग में डेफिनेटली आप लोगों ने रील तो देखा ही होगा या फिर आपने खुद ने रील बनाई होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बादशाह ये गाना गाने के बाद पड़ गए हैं विवादों में, जिस वजह से बादशाह को खुद सोशल मीडिया पे आके इस बात पे माफ़ी मांगनी पड़ी है। आपको बता दें कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिस वजह से बादशाह को करने लगे हैं लोग टारगेट, और हिंदू समाज के स्पेशली जो आप कह सकते हैं हनुमान दल के जितने भी लोग हैं उन्होंने ये गाने पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है और बादशाह को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया है। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या है इस सॉन्ग में और किस वजह से मैं कर रही हूं आपसे ये बात। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपकी दोस्त और इस शो की होस्ट दीप्ति बिस्वाल। आपको बता दूँ कि बादशाह का ये जो गाना है कि जो रैप का लाइन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में गा के सुनाए, ये जो एक मूवी का सॉन्ग है जिस मूवी में आप कह सकते हो रैपर ने इस टाइप का सॉन्ग्स यूज़ किया, इस टाइप का लिरिक्स यूज़ किए जहाँ पे भोलेनाथ का नाम भी यूज़ किया गया, और ये चीज़ लोगों को कभी भी पसंद नहीं आएगा कि उनके भोलेनाथ का कोई इस वे से अंदाज से नाम यूज़ किया जाए। आप कह सकते हो सेक्स वेक्स से लेकर बहुत सारी ऐसे चीज़ें जो कि गलत है वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज़ किया गया है जो शायद किसी को पसंद ना आए, और इसी वजह से रैपर ने सोशल मीडिया पे एक आप कह सकते पोस्ट डाला जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि मुझे मेरी गलती पे बहुत बुरा लग रहा है और मैं कोशिश करूँगा कि सॉन्ग का ये पार्ट को जल्दी से जल्दी हटाने का, और साथ ही मैं आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने कोई राइट्स नहीं है, ना ही मैं किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट करना चाहता था, इट जस्ट अ सॉन्ग, इसलिए हम लोग गा लिए। लेकिन अगर ये चीज़ आपको परेशान कर रही है तो मैं इस चीज़ का जिम्मेदारी लेता हूँ कि सॉन्ग से ये पार्ट को हटा दिया जाएगा। लेकिन आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइए और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, आप लोग नाराज़ होंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये कहीं ना कहीं मुझे अफेक्ट कर रहा है। ये चीज़ के ऊपर मैं आपको बता दूं कि बादशाह रैप की दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। इन्होंने शिवाय मूवी में भी भोलेनाथ के ऊपर बहुत अच्छा सा रैप किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट भी हुआ था। लेकिन जो आज इन्होंने रैप जो ट्रेंडिंग सॉन्ग पे जो रैप चालू है इस पे लोगों ने नाराज़गी जताई है। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि हम लोग आजकल ज़्यादा ही धार्मिक बन गए हैं या फिर लोगों की क्रिएटिविटी को खींचतान करके उसे नीचा दिखाने के लिए हम लोग ये सब नए तरकीबें अपना रहे हैं, या क्या लॉजिक है? क्योंकि ऐसे सॉन्ग्स और मूवी के ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज से पहले भी बाहर निकल के आ चुके हैं लेकिन तभी लोगों ने विवाद नहीं किया है, लेकिन आज जब मूवी बन रही तब लोगों ने इस सॉन्ग्स पे ऐसी सब चीज़ों पे विवाद करना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग ज़्यादा धार्मिक बन चुके हैं, मतलब नास्तिक से आस्तिक ज़्यादा बन रहे हैं, या फिर क्या पॉइंट है? मैं आप पे जाना छोड़ना चाहूँगी ये बात, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि बादशाह का ये जो सॉन्ग है इसको हटाना ये सही है गलत है या क्या है, आपकी राय जानना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूज।